नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज होम थिएटर के बारे में A to Z होम थिएटर का पूरा फ्रेश वायरिंग एवं कहां से किस प्रॉब्लम को ठीक करें, ये सारा इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज मेरे पास जो है दोस्तों एक होम थिएटर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है दोस्तों, मतलब बीमारी भी आप जानेंगे तो थोड़ा सा हंसी आएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों के जो चाहिए जो है चूहा महाराज जी, उन्हीं का ये करतूत है दोस्तों। वो जो है दोस्तों इस होम थिएटर का तार को सारा कुतर दिए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, है ना, देख रहे हैं, ये सारा तार कुतर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो और ये बहुत दिन से रखा हुआ भी था दोस्तों, ठीक है, काफी दिन से, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो आज क्या करेंगे दोस्तों, आज फ्रेश वायरिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। फ्रेश वायरिंग करेंगे, उसके बाद इसमें जो बीमारी आएगा दोस्तों, ठीक है, वो सारा जो है अच्छा सा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा दोस्तों। और अगर मिस्त्री भाई भी हैं दोस्तों तो वो भी देखे इस वीडियो को, आपके लिए भी कुछ नया होगा इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। लाइन नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर का तार तो कटा हुआ है दोस्तों, मगर ये ट्रांसफार्मर भी खराब है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर को भी दोस्तों चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने जो है दोस्तों, ये देखिए, मतलब ये ट्रांसफार्मर लाया हुआ है मैंने, ठीक है दोस्तों, 12.02 एम्पीयर। तो दोस्तों मैं ट्रांसफार्मर को दोस्तों फिट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये 4-in-1 है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ठीक है, ये 4-in-1 है दोस्तों, ठीक है, 4x8 फुट है दोस्तों, देख लीजिए। तो दोस्तों अब इसका जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी बात है दोस्तों कि इसका जो पूरा वायरिंग दोस्तों जो है इसको निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। सारा वायरिंग को दोस्तों हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, सारा तार उखाने का रीजन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, इसके नीचे का भी स्थिति दोस्तों बहुत ज्यादा नाजुक है दोस्तों, सारा तार जो है दोस्तों कुतर दिया है, ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं। और आगे का भी देख लीजिए दोस्तों क्या स्थिति है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आगे का जो पैनल खोलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा सेफ्टी से खोलना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो दोस्तों थोड़ा ये जो प्लास्टिक है दोस्तों ये टूट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा बड़ा सा पेचकस ले लेंगे, पतला सा, और इसको देखिए दोस्तों, ये तो आसानी से खुल रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा, ये दोस्तों देखिए ये जो है खुल गया दोस्तों। दोस्तों आगे का तो वायरिंग तो काफी अच्छा है दोस्तों, मगर इसके अंदर जो तार गया है दोस्तों सारा कटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा वायरिंग जो है दोस्तों मैंने निकाल दिया लगभग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सोल्डिंग ये दोस्तों फ्रेश करना चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरे में एक दूसरे में टच ना हो, ठीक है दोस्तों। टच होगा शॉर्ट आउट कर जाएगा, तो दोस्तों सामान खराब हो जाने का डर रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो कर लिया मैंने दोस्तों, अब जो है दोस्तों अब वायरिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा इसको फ्रेश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बोर्ड तो दोस्तों फ्रेश लगभग हो गया है दोस्तों,
ठीक है। अब इसमें वायरिंग कहाँ से क्या होगा नहीं होगा दोस्तों, तो वो भी बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस बोर्ड में वायरिंग क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि ये जो है दोस्तों, आपका जो है 1212 का ट्रांसफार्मर का तार जो है दोस्तों, इस कनेक्शन में आएगा 1 2 3, ठीक है दोस्तों। ये बीच वाला तार जो है दोस्तों, ब्लू वाला तार दोस्तों, इसमें आएगा। दोनों येलो जो तार है दोस्तों, ठीक है, ट्रांसफार्मर का दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है, ये इसमें, ये इस एक इसमें आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें और क्या है दोस्तों, इधर में क्या है दोस्तों, आपका ये जो 78055 है दोस्तों, ठीक है, ये आईसी है दोस्तों, 78055 5 वोल्ट जो है दोस्तों, आपको जो है उसमें जो है आपको किट जो आता है दोस्तों, डिस्प्ले जो आता है दोस्तों, ठीक है, इसमें इसमें आएगा दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों जो किट लगा हुआ है दोस्तों, इसमें जो 5 वोल्ट का जरूरत पड़ता है दोस्तों, तो उसको देने के लिए जो है दोस्तों 78055 लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका बूफर का जो दोस्तों, ये जो दो पॉइंट है दोस्तों, ये 20-30 आईसी से जो है दोस्तों, ठीक है, एक रेजिस्टेंस जम्पर लग के दोस्तों, रेजिस्टेंस लग के आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो एक दो जो है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट में दोस्तों बूफर का जो, बूफर जो बसता है दोस्तों इसमें, ठीक है दोस्तों, ये बूफर, ये बूफर का कनेक्शन आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, इसमें 5 वोल्ट तो दोस्तों, ये 5 वोल्ट जो देगा दोस्तों, तो वो 5 वोल्ट किट में चले जाएगा दोस्तों, वो अभी बता देते हैं दोस्तों। उसके बाद तो 1 2 3 दोस्तों, ये जो 3 पॉइंट है दोस्तों, ये दोस्तों बास का है दोस्तों, ठीक है, बास का है। और ये 1 2 3 जो पॉइंट है दोस्तों, ये 3 पॉइंट दोस्तों स्पीकर का है। और ये जो 1 2 3 ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये आपका दोस्तों, ये जो आउटपुट होगा दोस्तों, 4 को जो स्पीकर लगता है बाहर से दोस्तों, यहाँ पे लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो 3 पॉइंट है, इस जगह लगेगा दोस्तों, ठीक है। और जो है दोस्तों, और इसमें जो भी वायरिंग होगा दोस्तों, वो बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो बने रहे दोस्तों। तो वायरिंग के लिए दोस्तों को सारा तार को हटाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, ये भी सारा तार को जो दोस्तों हटाना पड़ेगा। तो हटा के दोस्तों, ये भी देखिए, ये भी गम जो है दोस्तों, जो तार जो निकला है दोस्तों, किट में पहुंचा है दोस्तों, इसको भी गम थोड़ा हटाना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों। तो दोस्तों ये सब का भी दोस्तों वायरिंग जो है दोस्तों, हम हटा देते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों 6 को तार वॉल्यूम का और बास का, ठीक है दोस्तों, 6 तार निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 6 तार जो है दोस्तों, ये देख के 2 2 4 2 6 2 6 तार को दोस्तों छील लेते हैं। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब तार को जो है दोस्तों पूरा छील के वायरिंग करते हैं अच्छा से। तो दोस्तों जब भी तार को छील ले दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको जो है दोस्तों लपेट ले, ठीक है दोस्तों, ताकि सोल्डिंग कीजिएगा दोस्तों, तार इधर से उधर ना हो, एक दूसरे में टच ना हो, ठीक है दोस्तों। अब इसको दोस्तों बाहर से ही पहले दोस्तों सोल्डर जो है दोस्तों, इसको अच्छा से जो है दोस्तों सोल्ड कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद किट में जो है सोल्डिंग कीजिएगा। तो दोस्तों अब जो दोस्तों इसमें वायरिंग कर लेते हैं पहले से दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो दोस्तों पहले तो ये आपका जो है दोस्तों, ये जो तार जो है दोस्तों, ये बास का है दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों ये वॉल्यूम का हो गया, ये 3 तार जो दो जुड़ रहे हैं दोस्तों, ये वॉल्यूम का हो गया। देखिए दोस्तों कोई भी होम थिएटर हो, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ होता है, बस सेम प्रक्रिया होता है दोस्तों, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है दोस्तों। किसी में होता क्या है, देखिए पैनल सब तो सेम ही हो रहता है, ठीक है, बस इसमें होता क्या है, किसी में जैसे 6 टांग का है ना, 6 कुट्टी का वॉल्यूम है,
ठीक है, देखिए दोस्तों ये वॉल्यूम जो है दोस्तों इसमें तीन खुट्टी का रहता है दोस्तों, उसी में लेफ्ट राइट बना देता है दोस्तों, किसी में आगे पीछे वॉल्यूम रहता है, मतलब वॉल्यूम बहुत तरह का रहता है दोस्तों, ठीक है, बस उसी में थोड़ा बहुत कनेक्शन चेंज रहता है दोस्तों, और कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये तीन गो तार है दोस्तों, ये तीन तार दोस्तों जो है आपको इनपुट ऑडियो यहाँ से दोस्तों यहाँ जोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये भी तार जो दोस्तों जोड़ दिया है मैंने इनपुट तार, ठीक है। अब ये दोस्तों आप जो है दोस्तों क्या जो करना है दोस्तों, अब 5 वोल्ट जो दोस्तों जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये पैनल में जो है दोस्तों ये 5 वोल्ट जाएगा, तो 5 वोल्ट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये रेड वाला दोस्तों 5 वोल्ट कर देते हैं दोस्तों प्लस, ठीक। और ये जो है दोस्तों ऑरेंज जो है दोस्तों ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो है दोस्तों ये दो को ट्रेवल का कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, बास ट्रेवल जो होता है ना सर दोस्तों वॉल्यूम वो है, ठीक है। तो दोस्तों अब तो मेरे ख्याल से इधर आगे का पैनल पैनल का दोस्तों कनेक्शन सारा हो गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये ट्रेवल हो गया दोस्तों, ठीक है, ये बास है ये वॉल्यूम है, ठीक है दोस्तों। तो 5 वोल्ट भी दे दिए दोस्तों, ग्राउंड भी दे दिए हैं, बस ट्रेवल भी दे दिए दोस्तों, सारा लगभग दे दिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों किट में कनेक्शन करना है, ठीक है दोस्तों, इधर का कनेक्शन फाइनल हो गया है। तो दोस्तों पैनल का जो दोस्तों अभी सोल्डिंग किया है दोस्तों, तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों तार जो है दोस्तों ये बास का है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों ये तार जो है दोस्तों देखिए आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक तार इसमें आएगा, तो दोस्तों ये तार तो हो गया दोस्तों जुड़ गया है, ये तार इसमें आएगा दोस्तों, और ये ब्लू जो है दोस्तों ये इसमें आएगा, ये दोस्तों ग्राउंड है, ठीक है दोस्तों, ये लेफ्ट राइट हो गया। उसके बाद दोस्तों इसका ये जो है दोस्तों ये भी दोस्तों ये ग्राउंड है ये वॉल्यूम का, ठीक है दोस्तों, ये ग्राउंड हो गया और ये हो गया लेफ्ट, ये राइट, एक राइट हो गया दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों ये भी जोड़ दिया मैंने दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों ये 4 तार है दोस्तों, ठीक है, 4 तार में दोस्तों आपका कौन सा क्या है दोस्तों, तो रेड और ऑरेंज दोस्तों, ये रेड दोस्तों 5 वोल्ट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आईसी में चले जाएगा दोस्तों, ये आईसी 7805 दोस्तों, तो ये आईसी में चले जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आउटपुट 5 वोल्ट जो है हो गया दोस्तों, और ये ग्राउंड है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये ग्राउंड जो है दोस्तों आप इसी जगह जोड़ सकते हैं दोस्तों, बीच वाला दोस्तों ये ग्राउंड होता है दोस्तों, ठीक है, 7805 में ये आपको जो है इनपुट होता है दोस्तों 12 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, उसके आउटपुट दोस्तों 5 वोल्ट होता है, ठीक है दोस्तों। आपका दोस्तों ये जो है दोस्तों ये आपका दोस्तों ट्रेवल का है दोस्तों, ठीक है, ट्रेवल का दोस्तों आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे दोस्तों इसका प्लस माइनस देख लेते हैं कौन क्या है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये इसमें आई है, तो दोस्तों इसमें सोल्डिंग कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो दोस्तों अब ये तीन तार जो दोस्तों इनपुट आएगा दोस्तों, ठीक है, तो इनपुट में इसमें सोल्डिंग करना है दोस्तों, तो इसको फ्रेश थोड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो है दोस्तों ये दोनों इनपुट हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट राइट दोस्तों, तो इसमें जो दोस्तों जोड़ना है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों बीच वाला ग्राउंड है, ठीक है दोस्तों, ये ग्राउंड जो है ये साइड में जुटेगा, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों जो है सर ये इस समय दोस्तों किसी में भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, इस समय ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस का इसमें कोई भेद नहीं है। So
शायद वोल्टेज थोड़ा कम है इसीलिए जो है सोल्डिंग आयरन हीट नहीं हो रहा, सही से सोल्ड भी नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए माफ कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सोल्डिंग हो गया दोस्तों इनपुट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये इसमें सोल्डिंग करना है दोस्तों, इसमें तो दोस्तों ये यहाँ सोल्डिंग होगा। ठीक है दोस्तों, इस जगह से तो करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सोल्डिंग कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका ग्रीन वाला जो दोस्तों ये ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, ये बस याद रखना है। तो ग्रीन वाला दोस्तों ये ग्राउंड जो दोस्तों ये ग्राउंड में आपका ग्राउंड में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इस जगह आ जाएगा दोस्तों, और आपका ये जो है दोस्तों ये इस जगह आ जाएगा दोस्तों, ये इस जगह आ जाएगा। तो दोस्तों इधर का तो वायरिंग पूरा कंप्लीट है दोस्तों, तो बचा दोस्तों ट्रांसफार्मर का वायरिंग का बचा। ठीक है दोस्तों, और एक बूफर का। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर का तीन तार यहाँ जुटेगा दोस्तों। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का भी तार जो मैंने जोड़ दिया दोस्तों, बूफर का भी जो दोस्तों तार जोड़ दिया, अब तो ऐसा कुछ रहा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसको लाइन देते हैं और चेक करते हैं कि बज रहा है या नहीं। तो दोस्तों अब लाइन में लगाते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों लाइन में मैंने लगा दिया है दोस्तों। ठीक है, तो बजा के देखते हैं दोस्तों बजता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों बज रहा है। हम तेरे बिना रह नहीं सकते। तो देखिए दोस्तों अच्छा तो बज रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बज रहा है दोस्तों, देख लीजिए। हम तेरे बिना अब रहे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।